फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि शॉप 101 से गांव में ऑर्डर कैसे करें। यदि आप गांव में हैं मेरे दोस्त, तो आप जो गांव में कैसे कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग करें शॉप 101 से, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। चलो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉप 101 जो है अप्लीकेशन जो है ओपन करना है। जैसे ओपन करें आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आप जो कभी एक प्रोजेक्ट मंगवाना चाहते हैं, जैसे कि फिलहाल मान लीजिए मैं एक प्रोजेक्ट मंगा कर आपको दिखा दूँ, तो आप जो सर्च करके चाहे तो सर्च करके मंगा सकते, नहीं तो आप यहाँ से आपको जो पसंद है आप मंगवा सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, जैसे कि मुझे एक प्रोजेक्ट मंगवाना है, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने में हमारे पास जो इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कैश ऑन डिलीवरी, हाँ मुझे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करूँगा, यदि अपने लिए मंगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ की छेड़खानी नहीं करनी। यदि कस्टमर के लिए मंगा रहे हैं तो यहाँ पर जो है अपना इनकम मार्जिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मुझे अपने लिए मंगाना तो यहाँ नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँ हमारे पास फिर से नया पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पेज खुल के आएगा मेरे दोस्त, जैसे तो यहाँ पर ऐसे खुल के आ जाएगा, आपके पास नया पेज खुल के आ जाता है। तो एक नया पेज ये है मेरे दोस्त कि आपका एड्रेस, मैं आप कौन सी एड्रेस पर जो है प्रोजेक्ट मंगवाना चाहते हैं। मेन मुद्दा मतलब मेन पॉइंट, सबसे पहले आपका नाम जो कस्टमर मतलब कस्टमर ने मतलब आपका नाम जो है आप यहाँ पर सही से ऐड कर दीजिएगा। दूसरा फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर है आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। यदि आपको कोई भी एड्रेस गलती भी हो जाए तो आपका फ़ोन करके ये कस्टमर जो है पूछ लेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पर लिखा है हाउस नेम एंड फ्लैट नंबर एंड बिल्डिंग नेम। हॉस्ट नंबर मतलब आप जैसे कि आप शहर में रहते हैं, फ्लैट होता है, नंबर होता है, बिल्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन आप गांव में तो आपके पास नहीं तो फ्लैट है, नहीं घर है, छोटा मोटा घर होगा, ठीक है। तो आप करना क्या, आपका घर का गांव जो आप गांव में रहते हो, गांव का नाम यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। कौन सी टोला में रहते हैं, आपको टोला भी होगा, जो भी आप कास्ट करोगे इसका टोला पता ही होगा कौन सी टोल में आप रहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। तीसरा आपको ऐड करना क्या होगा, आपको वार्ड, कौन सी वार्ड में आप रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिसमें आप रहते हो वो आप यहाँ पर जो वार्ड ऐड कर दीजिए। मैं ये वार्ड पहले ही मैं ऐड कर रखा था, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे कन्फर्म मतलब एक बार है कॉलोनी, कॉलोनी मतलब होता है आपका क्षेत्र, जैसे कौन सी कॉलोनी में आप रहते हैं, मतलब आपका जो गाँव है आपके गाँव में कौन सी कॉलोनी में आप रहते हैं। जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे आप कौन सी कास्ट के, तो आपका जो टोला का नाम होगा वो आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। दूसरा आप इसके आजू बाजू में कौन सा फेमस जगह है, नदी, तालाब, मंदिर या कोई भी ऐसा चीज़ होगा आपका लिखा हुआ, यानी आपका फेमस एरिया हुआ है, चौक चौराहा, बाज़ार, ऐसे बहुत चीज़ होता है हर एक गाँव में, तो जिस नाम से जाना जाता होगा दूर दूर के लोग, वो एड्रेस वो नाम जो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से अपना गाँव अपना वार्ड नंबर यहाँ पर ऐड करिएगा। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड एड करना पड़ेगा। पिन कोड आपको पता नहीं हो तो आपने मोबाइल में अपने आधार कार्ड पर जाकर देख लीजिए कि आपका पिन कोड क्या है, ठीक है। इसको जैसे ऐड करेंगे तो आपका जो है ऑटोमेटिक ये है अपने आप सिटी एंड स्टेट ऑटोमेटिक जो है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर सेव सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे फिर आपके पास इंटरफेस खुल के आ जाएगा। फिर आपको प्लीज ऑर्डर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करें देख सकते हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पर लिखा है योर ऑर्डर हैव बीन प्लेस, मतलब आपका हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। तो इस तरह से आप गांव में कोई प्रोजेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सुनकर जो बताएंगे, कोई समस्या हो तो मुझे कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बंदे मातरम।